कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र भी जरूर होता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण सहित कई और पुराणों में कलयुग का उल्लेख किया गया है। पुराणों में लिखा गया है कि धरती पर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी और तब भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु इस युग का अंत करेंगे और तब नए युग की स्थापना होगी। कलयुग की कई भविष्यवाणियों में भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां भी कई बार चर्चा का विषय बन चुकी है। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले ही कलयुग के अंत के बारे में भविष्य मलिका में बात की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है और सच हो चुकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दुनिया का विनाश करीब है। तो आइए जानते हैं भविष्य मलिका की वो भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई। भविष्य मलिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बात होने लगी। पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक में चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई थी। ये घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मलिका में मिलता है। इस घटना के बाद ये कहा जाने लगा कि ये कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने वाला है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस पर कोई प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मलिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान के पानी के कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। तब से ये कहा जा रहा है कि दुनिया के महाविनाश का समय आ चुका है। तब से इस नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो सका। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो ये दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जाता है। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। भविष्य मलिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। उड़ीसा में 2019 में पानी के तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी। भविष्य मलिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच के संबंध का उल्लेख भी किया गया था। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।